क्रिसमस ट्री मेरी क्रिसमस कहाँ जाना गुड मॉर्निंग चेक यू पिनो यू गॉट समथिंग सो सेंटा रियली गिव यू समथिंग मेरी क्रिसमस व्हाट इज इट जस्ट सेट 5-in-1 बेल्स अभी सुबह सुबह सेंटा पापा ने भी नीवे को दिया है लेगो पीस प्लेट एंड लेगो सिटी ट्रक वाओ तो कौन सा सेंटा कूल है पापा सेंटा यस अपना बिजी हो गया है सारे पीसेस फैला लिए हैं अभी एक अभी तो एक ही पार्ट खोला है तो अभी बनाना है उसे ये ट्रक एंड उसका ड्राइवर सो कैसा लग रहा है नीवे अच्छा बहुत अच्छा लगा कितना अच्छा लगा बहुत सारा इतना सारा हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू आवर चैनल एंड मेरी क्रिसमस टू ऑल ऑफ यू हम लोग फ्रेशन अप हो चुके हैं न्यू ईयर भी नहा चुका है आज तो जल्दी उठ गया तो उसे पता है आज तो सेंटा का और प्रेजेंट कुछ मिलने वाला है वो अभी आपने देख ही लिया है तो आज शुरुआत करेंगे हम आज बस नॉर्मल शुरुआत ही है ऐसा कुछ स्पेशल नहीं हो रहा है बट अभी बस उठे हैं नहाए धोए हैं और अब ब्रेकफास्ट की तैयारी चल रही है ब्रेकफास्ट समझ नहीं आ रहा था बहुत टाइम से क्या बना रहे हैं क्या बना बट फाइनली अभी मैं दिखाती हूँ क्या आपको प्लान आज का ये है कि हम आपको एक तो यहाँ पर एक काफ़ी बड़ा होटल है वहाँ पर लेकर जाएंगे दिखाएंगे वहाँ पर क्रिसमस की क्या क्या कैसे कैसे डेकोरेशन हो रही है और फिर शाम को जाने वाले हैं हम क्रिसमस पार्टी ब्रेकफास्ट में काफ़ी सोचने विचारने के बाद क्योंकि पराठे आलू के पराठे हम काफ़ी टाइम से खा ही रहे थे तो आज सोचा कि आलू की सब्जी बना देते हैं जो कि मेरी मम्मी की सिग्नेचर सब्जी है जो कि सबको बहुत पसंद आती है और मेरा तो लंच में एवरी सेकेंड डे वही सब्जी जाती थी तो वो आलू की सब्जी बन रही है एंड चाय एंड पराठा साथ में तो बस आज ब्रेकफास्ट मीन्स ब्रंच यही होने वाला है हमारा मैं अभी बस बन रही है देखिए इधर कढ़ाई में सब्जी है और इधर चाय बन रही है और ऊपर आपको अभी घंटियों की आवाज़ आ रही है ना तो निर्भय के डैड पूजा कर रहे हैं वहाँ पर और निर्भय अपना नहाने के लिए गया मेरी क्रिसमस फ्रेंड्स कैसे हो आप सब लोग मेरे को लगता है आपको भी सरप्राइज मिला होगा सेंटा क्लॉज से तो वो जो भी मिला है तो हमसे शेयर करना हमारा वाला तो हम जरूर शेयर करेंगे तो देखते हैं आगे आज का दिन कैसे चलता है लेट्स रोल सेंटा एक्चुअली हमारे सबसे बड़े सेंटा तो हमारे पेरेंट्स होते हैं जो हमारी एवरीडे सारी विशेस पूरी करते हैं तो सबसे बड़े सेंटा कौन मम्मी पापा फ्री हो गई है सब्जी भी यहाँ पर ऑलमोस्ट तैयार हो चुकी है हमारी निर्भय कैसे हो आप अरे वाह क्या बात है आज तो लेगो ने कमाल दिखा दिया निर्भय ने तो बहुत अच्छा बनाया है क्या क्या बनाया आज बोट और ट्रक ये खोलता है ओके एंड इधर भी से ऐसे होता है ओ ये तो बहुत अच्छा है भाई ये इसके विंग्स हैं यस और इसके फैंस हैं क्या है फैंस एंड ये मूव कर सकता है अरे वाह ये ट्रक है अरे बाप रे बाप कितनी सारी चीज बना दी निर्भय ने वाओ ट्रक एंड शिप लवली तो निर्भय के डैड का एंड निर्भय का ब्रेकफास्ट ऑलमोस्ट हो चुका है और वहाँ पर वो मेरे लिए चाय लेकर आ रहे हैं क्योंकि चाय का डिपार्टमेंट जो है वो निर्भय के डैड का रहते हैं क्योंकि मैं कम पीती हूँ और बनाती भी बना लेती हूँ बट इतनी अच्छी आ गई आपकी चाय थैंक यू सो मच तो आज है चाय आलू की सब्जी एंड रागी के पराठे जो कि रागी बहुत हेल्दी होती है एंड आलू की सब्जी मेरी मम्मी की सिग्नेचर सब्जी जो कि बहुत टेस्टी बनती है अभी बच रहे हैं एक बज चुका है और खाना वाना सब हो गया तो हम सोच रहे थे कि क्रिसमस ट्री हमें मिला नहीं था तो अभी कहीं बाहर निकलते हैं होपफुली कहीं पर एक मिल जाए क्योंकि निर्भय का भी बड़ा मन है कि क्रिसमस ट्री लगाएं हम और उसको डेकोरेट करें तो अगर कहीं मिलता है तो ठीक है नहीं तो जो हमारे पास हैं जो अपने पेपर क्रिसमस ट्री हम उसी से ही काम चलाएंगे इस बार तो अभी बस रेडी होते हैं आप रेडी हो हाँ तो ये तो रेडी निर्भय लेट्स गो एंड गेट रेडी वो अभी कार्टून ही देख रहा है तो फटाफट तैयार होते हैं A few moments later. तो हम लोग यहाँ पर तैयार हो चुके हैं निर्भय भी अपना शूज वूज पहन रहा है साथ साथ कार्टून भी मिस नहीं करना चाहता साइलेंटली चल रहे हैं एंड फिंगर क्रॉस की हमें क्रिसमस ट्री मिल जाए तो हम उसकी डेकोरेशन एंड ऑल करें एंड बाकी कुछ कुछ प्लेसेस में जहाँ जहाँ कुछ ऐसे मोमेंट्स होंगे क्रिसमस से रिलेटेड वो हम आपको जरूर दिखाएंगे तो बने रहिए अच्छे से बनाने बाल
हो गया? Yes. स्टाइल हम भी बनाएंगे अपना स्टाइल। चलिए चलते हैं। क्रिसमस क्योंकि आज दिन है तो यहाँ पर सब चीजें जल्दी बंद हो जाएंगी क्योंकि इनका फेस्टिवल है, तो हम कितना मैक्स टू मैक्स शायद खुला भी ना हो, कुछ चीजें खुली भी नहीं हो, बट एक शॉप खुली है जहाँ पर हमें जाना दिख गया। हाँ, फिंगर क्रॉस की वहाँ पर मिल जाए हमें जो हमें चाहिए ट्री। और दोनों स्टोर्स खुले हैं अभी फिलहाल, आई थिंक 2 बजे तक होंगे, फिर शायद बंद हो जाएगा सब कुछ क्योंकि इनको भी सेलिब्रेट करना है ना शाम को, इसलिए चलो बस अंदर ही चलते हैं। स्टोर्स हमने ऑलरेडी देख लिए हैं बट कहीं पर भी क्रिसमस ट्री नहीं है और सारे खत्म हो गए हैं। वी गॉट समथिंग, तो फाइनली हमें जो क्रिसमस ट्री है जो कॉर्नर में दिख भी रहा होगा वो मिल गया 2-3 शॉप्स में ढूंढने के बाद में, क्योंकि एक तो आज क्रिसमस का ही दिन है ना, तो ऑलमोस्ट सारे बिक चुके थे, सिर्फ बहुत बड़े बड़े साइज। हमारी किस्मत अच्छी थी कि तुम्हें मिल गया, किस्मत अच्छी थी, अब मौज लो जी। अब हम इसे डेकोरेट करेंगे घर जाकर, तो बस चलते हैं घर। घर जाने से पहले एक जगह और जाएंगे, आपको दिखाते हैं वो, और उसके बाद घर जाएंगे, फिर सजाएंगे हम अपने क्रिसमस ट्री को। जो कि हमारे घर के बहुत पास में ही है, तो यहाँ अंदर थोड़ा एक बार ब्राउज करके आते हैं कैसे यहाँ पर डेकोरेशन है, घूम कर थोड़ा सा है ना, सेंटा भी हो सकता है इधर, सेंटा भी बना हो सकता है। एंट्री बहुत अच्छा मिल गया है और इधर हमारी लेडीज मिल गई है, हाय। तो यहाँ पर बस थोड़ी मस्ती करते हैं और फिर चलेंगे घर की तरफ। और कितना सुंदर है, पूरा ग्रीन ग्रीन है और ये पैसेज है पूरे पिलर से, बहुत ही सुंदर है। कहाँ जाना है? शहर में बड़ी बड़ी बातें नहीं हो पाती। देखो कितने सुंदर लग रहे हैं ऊपर, और हरा हरा पाम ट्रीज सब कुछ है ना, और धूप भी अच्छा से नहीं है आँख, हालांकि इतनी अच्छे से खुल नहीं पा रही है। पर आपको एक चीज दिखाते हैं जो आपको भी बहुत प्यारी लगेगी, और हमें लग रही है हम देख भी रहे हैं बट आप देखिए, पानी की आवाज बहुत प्यारी, बहुत प्लीजिंग है, अच्छी हवा चल रही है, मजा आ रहा है, यहाँ बैठ कर बहुत अच्छा लगता है, ऐसा लगता है कि सुकून मिल रहा है, मतलब वो वाटर की आवाज़ जो आती है ना झरने की पानी की, वो यहाँ पर ऐसा इतना तो नहीं है, बट यहाँ पर हम अक्सर वॉक करने भी आते क्योंकि घर के थोड़ा पास में ही है। तभी अभी हम लोग घर पहुँचे हैं एंड निर्भय अपनी फ्रेंड जिनके घर क्रिसमस पार्टी है वहाँ मिलने गया हुआ है, और वो wow, तो आपको ऑलरेडी क्रिसमस गिफ्ट मिल गया, तो उसको अपना गिफ्ट मिल गया एंड ही इज़ क्वाइट हैप्पी विद दैट। और हमें हमारा क्रिसमस ट्री जैसा हमें स्मॉल वाला चाहिए था वो मिल गया है, एंड अब हम इसकी करेंगे डेकोरेशन और फिर आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से। ओह ही गॉट स्वीट्स, वाओ। अभी के डैड ने मज़ेदार से सैलेड की प्लेटर तैयार कर दी है, कैसा लग रहा है? अब मुँह में पानी आ रहा है, अब मुँह में पानी आ रहा है, तो अभी हम ये खाने वाले हैं। अच्छा वेदर हो रहा है ऊपर, क्लाउड्स ही क्लाउड्स और धूप भी आ रही है। I will eat all the avocados that nobody can. So you like avocados? कुछ ऐसा कुछ गोल्डन पेपर ले रही हूँ, और ये जो हमने ट्री बनाया था वो, और सैंटा ले आती हूँ।
तो ये देखिए हमारे कुछ सेंटास जो हमने बनाए थे, स्नोमैन, उसकी कैप निकल गई एंड ये क्यूट सा सेंटा, ये मेरा फेवरेट वाला सेंटा है, ये हमने कप से बनाया था। और कुछ LEDs ले लेते हैं तो अपने पास है ही, क्योंकि हमने निभे के बर्थडे के बाद ये उतारा ही नहीं, हमें अच्छा लग रहा था कलरफुल ये, तो ये बैकग्राउंड रहेगा हमारा। और कुछ छप कर लेते हैं, तो हमारा जो क्रिसमस डेकोरेशन है, क्रिसमस ट्री है, वो पूरा रेडी हो चुका है। तो मैं आपको धीरे धीरे दिखाती हूँ और फिर बाद में अच्छे से भी दिखाने वाली हूँ। तो ये है हमारा क्रिसमस ट्री जो कि पूरा डेकोरेट किया है हमने घर की चीज़ों, सिर्फ एक ट्री जो हम लेकर आए हैं, उसके बाद ये स्टार जो है या सेंटा, स्नोमैन, ये सारी चीज़ें हमने क्राफ्ट चैनल पे हमारे दिखाए हुए कैसे बनाते हैं। और कुछ एक मालाएं हैं, LED लाइट्स है, जिससे कि पूरा ट्री हमने सजा दिया है और झटपट भी हो गया है। एंड आई होप अच्छा भी लग रहा है। अगर आपको भी अच्छा लग रहा है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि ये वैसे तो डेकोरेशन 1 घंटे में हमने पूरी कर ली थी, क्योंकि कुछ ऐसा नहीं है। हाँ, देख रहे हैं कि स्नो ट्री के ऊपर कुछ कुछ बर्फ भी पड़ी हुई है, स्नो, तो ये हमने कॉटन से किया, कॉटन के छोटे छोटे से बॉल्स बनाकर वो सारा उसके ऊपर रख दिया था, तो ये पूरा यहाँ पर हो गया। बाकी इसका एक क्लोजर लुक आपको अभी आप देखिए ज़रा। बस अभी हमें गिफ्ट पैक करना है और कितने बज गए हैं अभी, 5 o'clock हो चुके हैं और मौसम इज़ लाइक कि एनी टाइम बारिश भी हो सकती है, और वैसे भी क्रिसमस पे बारिश होती है ना हर साल, स्नो होती है, मतलब जहाँ स्नो होती है वहाँ स्नो होती है, और जहाँ स्नो नहीं होती वहाँ पे यहाँ की तरह बारिश होती है। तो बारिश होने वाली है और फिर हम जाएंगे 7 o'clock, हमारे जो नेबर्स हैं जिन्होंने हमें इनवाइट किया है क्रिसमस के लिए, तो फिर वहाँ चलते हैं। बज रहे हैं शाम के 5 और देखिए क्लाउड्स एंड स्काई बहुत चल रहा है, बच्चा पार्टी अभी खेल रहे हैं और क्रिसमस ट्री बनाने के बाद फील आ रही है ना क्रिसमस की, नहीं तो अभी तक थोड़ा डल ही लग रहा था, बट लकीली मिल भी गया क्रिसमस ट्री। पता है जब हम लोग छोटे थे ना उस टाइम पे नॉर्मल जो ग्रीन नहीं होते थे, नेचुरल क्रिसमस ट्री होते थे, ये तो आर्टिफिशियल है, तो उसमें कॉटन लगा लगा कर इसी तरीके से, और डॉल के ऊपर कपड़ा, मतलब रेड और वाइट कॉम्बिनेशन से सेंटा बना देते थे, और तब इतनी चीज़ें नहीं होती थी माला वाला, बट थोड़ा सा ग्लिटर वगैरह कर देते थे ताकि फील आए, और अभी भी अच्छा लग रहा है ना पीछे झटपट वाला जो बन गया हमारे। मस्त, तुम्हारी मेहनत काम आई। अरे मेरी नहीं है, हमारी, अगर तुम हमारे से ढूंढवाते नहीं तो कैसे मिलता ये ट्री, ये तो एंड मतलब लास्ट डे है आज, हाई क्रिसमस, अगर आज भी नहीं मिलता तो बस फिर वही छोटे छोटे जो ट्रीज है उन्हीं से काम चलाना पड़ता, पर अच्छा आ गया फाइनल। और ये हर साल हम यूज कर सकते हैं, इसको बस फोल्ड किया और बॉक्स में रख दे, छोटे से बॉक्स में, क्योंकि तभी हम छोटा ढूंढे थे, बड़ा तो बहुत ज्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करता है। क्यूट सा अच्छा सा बन गया ना, अभी नजर नहीं हट रही है, बार बार देखने का मन कर रहा है। तो हमारे मेहमान भी आ गए हैं आज क्रिसमस सेलिब्रेट करने के लिए। हाँ जी, आपको क्या खाना है आज? आज तो हम कुछ मीठा भी देंगे आपको, ठीक है? रोटी डालेंगे तो रोटी कम खाएगा, बिस्किट डालेंगे तो फटाफट खाएगा। हो गया अभी जाने का, तो हमारा गिफ्ट भी रेडी है जो कि निर्भय एक्साइटेड है देने के लिए उनकी बेटी को, और अब जा रहे हैं हम क्रिसमस गिफ्ट, अरे क्रिसमस पार्टी में जा रहे हैं पार्टी में, और फिर आपको वहीं जाकर मिलते हैं, ज्यादा दूर नहीं है, बहुत पास में ही रहते हैं हम। एक मिनट की रास्ता भी नहीं है। हाँ, 1 मिनट का रास्ता भी नहीं है, 1 सेकंड का रास्ता है। इवनिंग, मैरी क्रिसमस। ही इज लुइस एंड लवली, दे आर फ्रॉम, यू कैन जस्ट गिव योर स्मॉल इंट्रोडक्शन। फ्रॉम फिलीपींस, वी आर फ्रॉम फिलीपींस। ओके, सो दे हैव क्रिसमस पार्टी, यू कैन सी nice decorations everywhere, and she is the little one. What's your name? I'm Elsa. Yes, you're Elsa. I'm wearing the Elsa t-shirt. Elsa t-shirt. Come on. Wow.
फिलीपींस बट उन्होंने जो हमारे लिए स्पेशली इंडियन खाना ऑर्डर किया हुआ है एंड इवन उनको भी बहुत अच्छा लगता है इंडियन खाना. तो आज जो मेन्यू में मेनली है समोसा यू कैन सी एंड बिरयानी राइस एंड सब्जी वगैरह सब कुछ है. Got another present from auntie. ये था हमारा क्रिसमस सेलिब्रेशन वाला ब्लॉग एंड आई होप आपको पसंद आया होगा. अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए और बहुत सारा प्यार दीजिए. एंड मेरी क्रिसमस टू ऑल ऑफ यू. बाय बाय, मिलते हैं.